सो गाइस टेकन 8 और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का ट्रेलर एक ही दिन और एक ही साथ रिलीज हुआ है, कुछ तो लोचा है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ बल्कि टेकन के प्रोड्यूसर हराडा के इस ट्वीट से आप समझ सकते हो। खैर टेकन 8 और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के कनेक्शन के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, बट आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का स्टोरी ट्रेलर। आपने बहुत कुछ मिस कर दिया होगा ट्रेलर में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक कर दो और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लो। एंड अभी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेलर में अट्रेयस को दिखाया जाता है जो उन्हीं ट्रीज को टच करता है जिसे गॉड ऑफ वॉर 2018 में अट्रेयस की मदर फे ने प्रोटेक्ट के लिए लगाया था, बट फे की डेथ के बाद क्रेटोस ने उन ट्रीज को काट दिया था। बट हो सकता है कुछ ट्रीज बच गए हो, और यहाँ देख सकते हो पहले जैसे ट्रीज में फे के हाथ के निशान नहीं है। बस यहाँ अट्रेयस जब ट्रीज को टच करता है तब उसे फील होता है ये वही ट्रीज है। और यही अट्रेयस बैकग्राउंड में ये भी कहता है कि हर किसी के सीक्रेट्स होते हैं, कभी कभी यही अपनों की रक्षा के लिए बस यही एक तरीका होता है। और इसी में हम क्रेटोस को भी देखते हैं जो ब्लेड ऑफ केओस और लिवाइथिनेक्स को फेंक देता है, और यहाँ फे की अस्थियों की पोटली भी है। सो इस सीन से पता चलता है कि क्रेटोस किसी बात को लेकर टूट गया है, वो नहीं चाहता कि अब वो किसी को मारे या अगेन गॉड किलर कहलाए, और ये बातें उसे फे की पोटली देखने पर याद आती है। इसके अलावा अभी क्रेटोस जहाँ पर है ये उसका घर नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा घर क्रेटोस का तो हो ही नहीं सकता, मे बी ये ब्रॉक या सिंड्री का घर होगा। इसके बाद हमें टियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रेटोस टियर को मैजिकल रस्सी से फ्री करता है, और यही टियर क्रेटोस से कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ गॉड किलर, बट तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या वो गॉड ऑफ वॉर है जिसे तुम ढूंढने आए हो। और इसी बैकग्राउंड की वॉइस में हमें क्रेटोस और टियर एक चेम्बर में जाते हुए दिखते हैं, एंड मे बी ये चेम्बर एल्फाइम का हो सकता है। इसके बाद टियर एक लाइट एल्व को घसीटते हुए ले जाता है जिसका मतलब ये एल्व काफी इम्पोर्टेंट होगा, जिससे कोई गेट या इनके आगे जाने का रास्ता हो, और यहाँ के रास्तों के बारे में टियर को सब पता है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अब इसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें अट्रेयस के घर के बाहर कोई अनजान शख्स आता है और इसकी आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है जिसमें ये कहता है तुम वॉर नहीं चाहते क्या, तुम चाहते हो क्रेटोस। और ये जो अनजान शख्स है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बंदा ओडिन है जो क्रेटोस के साथ नहीं बल्कि क्रेटोस के सन अट्रेयस के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, क्योंकि ये जो सीन है ना ये रियल नहीं है, ये अट्रेयस ड्रीम देख रहा है, क्योंकि अगर ये रियल होता तो अट्रेयस के बदले ये गेट क्रेटोस खोलता। और ऐसा ही ड्रीम हमने गॉड ऑफ वॉर 2018 में भी देखा था जहां अट्रेयस को ड्रीम आया था कि थॉर उनके घर के बाहर खड़ा है। अब इसके बाद ओडिन क्रेटोस से कहता है तुम्हारे हाथ में जो सारा खून है अब वो तुम्हारे बेटे के हाथ पर होगा, और यहीं पर ही हमें दिखाया जाता है जिसमें कुछ तो अट्रेयस और क्रेटोस ने किया है जिससे फ्यूचर या प्रोफेसी बदलने लगी है, और अट्रेयस ये सब जानबूझकर कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके बाद हमें अट्रेयस एक ब्लैक बॉल को देखते हुए दिखाई देता है, और ऐसा ही बॉल हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, बट तब ये बॉल ब्लू था, बट अब ये ब्लैक बॉल है, और उस ब्लू बॉल पर लिखा था हाथी, सो ऑफ कोर्स ब्लैक बॉल का नाम होगा स्कॉल। और इन मैजिक बॉल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अट्रेयस इन बॉल्स के थ्रू स्कॉल और हाथी को कंट्रोल कर सकता है। अब इसके बाद हमें क्रेटोस और अट्रेयस का बहस का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रेटोस को ऐसा लगता है कि अट्रेयस उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए क्रेटोस के बार बार पूछने पर भी अट्रेयस क्रेटोस को नहीं बता रहा है। जब भी पूछो अट्रेयस क्रेटोस को एक ही जवाब देता है कि मुझ पर भरोसा करो मैं अभी नहीं बता सकता, पर क्रेटोस को अभी से काफी डर लग रहा है क्योंकि वो किसी भी हाल में अट्रेयस को बचाना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर यही अट्रेयस कहता है तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो इसी बात से यहाँ ये पता चलता है कि अट्रेयस को पता चल गया है कि क्रेटोस फ्यूचर में मरने वाला है, और अट्रेयस क्रेटोस को बचाने के लिए वो सब करने की कोशिश कर रहा है जिससे क्रेटोस की डेथ ना हो, इसीलिए शायद हो सकता है गॉड ऑफ वॉर 2018 में जिसमें इसकी डेथ हुई थी वो क्रेटोस ही हो, इसीलिए ये सारी बात अट्रेयस क्रेटोस को बताना नहीं चाहता। और इसी में हम एक मिस्टीरियस थिंग भी देखते हैं जो कि एक मैप है वो भी टियर का, कि उसे कैसे कैद किया गया है या उसे कहां रखा गया है। फिर इसके बाद हमें एक फ्रेय का भी सीन दिखाया जाता है जो अभी भी क्रेटोस और अट्रेयस को मारने के पीछे पड़ी है, और उसे ये मौका मिलता भी है, बट जब वो अट्रेयस के गले पर वही मिशेल टुएरो के पार्ट्स देखती है तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि उसके सन बोल्डर की डेथ कैसे हुई थी। अब यही सब सीन दिखाते हुए बैकग्राउंड में अभी भी क्रेटोस और अट्रेयस की बहस हो रही है जिसमें क्रेटोस कहता है मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, पर अट्रेयस कहता है कि आपको यकीन है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद हमें अगले सीन में दो वैल्क्रीज को दिखाया जाता है जो
पहले के वैलक्रीज से काफी डिफरेंट है और यहाँ वैलक्रीज और क्रेटोस में फाइट हो रही है और हो सकता है ये दो वैलक्रीज भी एज अ मिनी बॉस का रोल प्ले करे। और जब क्रेटोस इन वैलक्रीज से काफी पिटने लगता है और ये वैलक्रीज अट्रेस को भी मारने लगते हैं, तब तो भाई क्रेटोस के स्पार्टन रेज के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब इसके बाद हमें एक और बॉस दिखाया जाता है, कुछ मिनी एनिमीज दिखाए जाते हैं, एक न्यू शील्ड दिखाई जाती है जो मे बी सिंड्री या ब्रॉक ने अपडेट की होगी। और इस सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि क्रेटोस और अट्रेस कहीं फ्लाई करते हुए जा रहे हैं और यहाँ भी उन पर एनिमीज अटैक कर रहे हैं। अब इसके बाद एक और हमें मिनी बॉस दिखाया जाता है और ये सीन देखकर तो मुझे पुराने गॉड ऑफ वॉर की याद आ गई थी, उसमें भी क्रेटोस ब्लेड ऑफ केओस का कुछ ऐसा यूज करता है। और यहाँ ये सीन देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि हम गेम में क्रेटोस के साथ अट्रेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अब यही सब एनिमीज के सीन को दिखाते हुए बैकग्राउंड में ओडिन की आवाज आती है जिसमें वो क्रेटोस से कहता है, तुम गॉड्स के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारी लाइफ में कभी किसी ने तुम्हारी पूजा की है? कभी तुमसे प्रार्थना की है? क्या तुम उस प्यार को सोच भी सकते हो? नहीं, तुम्हें अपने अलावा और किसी भी चीज की परवाह नहीं है। तुम एक मॉन्स्टर हो जो बिना किसी रीजन के किसी को भी मारता है। सो ओडिन की इन बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि ओडिन कहीं ना कहीं क्रेटोस से डर रहा है, इसलिए ओडिन क्रेटोस को मेंटली कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी में हमें क्रेटोस का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रेटोस पर काफी खून लगा है, बट क्रेटोस ने किसको मारा है ये नहीं दिखाया गया है। पर अगर आप बैकग्राउंड को देखो तो ऐसा लग रहा है ये फ्रेया का घर है। कहीं क्रेटोस ने फ्रेया को तो नहीं मार दिया? क्योंकि क्रेटोस जैसे देख रहा है उसकी आंखों से साफ पता चल रहा है कि वो मारना नहीं चाहता था, वो उसे मारकर खुश नहीं है। अब ये वो कौन है? आई डोंट नो। बट इसके बाद हमें काफी इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रेटोस किसी लड़की को उठाकर भाग रहा है, बट इस लड़की का फेस ठीक से दिख नहीं रहा है, बट हो सकता है ये एंग्र बोडा हो या कोई न्यू कैरेक्टर। और जैसा कि अभी मैंने बताया ये सीन फ्रेया के घर का हो सकता है, सो इसलिए क्रेटोस जहाँ से भाग रहा है वो फ्रेया का ही विच फॉरेस्ट है और यहाँ जरूर क्रेटोस ने कुछ किया है या फ्रेया से बिना पूछे आया है, इसलिए ये विच फॉरेस्ट क्रेटोस को रोकने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि कुछ टाइम पहले क्रेटोस डार्क एल्व से फाइट कर रहा था, बट अब तो डार्क एल्व ही क्रेटोस की हेल्प कर रहे हैं। और इसके बाद हमें वही पुराने ट्रेलर का सीन दिखाया जाता है जिसमें फ्रेया ने क्रेटोस और अट्रेस पर अटैक किया था और ये तभी का सीन हो सकता है। बट इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सीन आता है वाटर का। हम गॉड ऑफ वॉर के ओल्ड गेम्स में वाटर के अंदर भी जा सकते थे, बट गॉड ऑफ वॉर 2018 में ऐसा नहीं था। बट लगता है रैग्नारोक में वाटर के अंदर का भी हमें कोई कट सीन या गेम प्ले देखने को मिलने वाला है, पर ऐसा एक ही जगह या एक ही बार होगा क्योंकि वाटर के अंदर के सीन को न्यू गॉड ऑफ वॉर में एड नहीं किया गया है। और इसे आप स्लो करके देखो तो आपको पता चलेगा कि वाटर के बाहर से क्रेटोस और एट्रेस विच फॉरेस्ट से बच के निकले हैं। अब इसके बाद तो भाई ये सीन देखकर दिमाग ही घूम जाता है जिसमें क्रेटोस, अट्रेस, हाथी और स्कॉल साथ में खड़े हैं और एट्रेस अपने एरो से स्कॉल को सन के पीछे लगा देता है और इसके बाद ऑब्वियसली ऐसे ही एट्रेस हाथी को भी मून के पीछे लगा देगा और दोनों ही सन और मून को निगल जाएंगे और फिर यहीं से रैग्नारोक ट्रिगर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें लाइट ऑफ अल्फाइम का भी सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 2018 में भी गया था, जहां क्रेटोस के जाने के बाद उसे वहां पर फे की आवाज सुनाई देती है और ये सब हुआ था बस कुछ मिनटों में। पर जब क्रेटोस वापस आ जाता है तो काफी घंटे बीत जाते हैं, मतलब वहां टाइम स्लो चलता है और अब फिर से क्रेटोस रैग्नारोक में भी लाइट ऑफ अल्फाइम में जाने वाला है। अब इसके बाद हमें एक मरबिट भी दिखाई जाती है, तो अगर क्रेटोस को इसे फ्री करना होगा तो इसके लिए क्रेटोस को वाटर के लेवल्स को पूरा करना होगा। सो हो सकता है कि यहीं पर ही हमें वाटर का गेम प्ले खेलने को मिले। अब इसके बाद हमें एक बड़ी सी जेलीफिश का सीन भी दिखाया जाता है जिससे मे भी मिमिर ने बात की होगी, जैसे मिमिर ने वर्ल्ड सर्पेंट के साथ बात की थी। अब इसके बाद ये सीन थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि इसमें क्रेटोस के ब्लेड ऑफ केओस को टियर ने पकड़ा है, बट अगर थोड़ा ठीक से देखो तो पता चलेगा कि क्रेटोस कहीं से गिर रहा था इसलिए टियर ने उसे बचाने के लिए ब्लेड ऑफ केओस को पकड़ा है, पर यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वीडियो में आगे बताऊंगा। अब इसके बाद ट्रेलर का सबसे खतरनाक सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर गूज़बम्प्स आ जाते हैं, क्रेटोस वर्सेस थॉर। बट इस फाइट में क्रेटोस के पास ब्लेड ऑफ केओस नहीं है। मुझे ये सीन ऐसा हिंट कर रहा है कि कहीं क्रेटोस ने टियर को तो ब्लेड ऑफ केओस नहीं दे दिए कुछ टाइम के लिए, हो सकता है क्योंकि टियर भी तो गॉड ऑफ वॉर है। आपको क्या लगता है बताना कमेंट में। अब थॉर वर्सेस क्रेटोस की फाइट में दोनों के पास एक ही जैसा वेपन है, दोनों अपने वेपन्स को फेंक कर वापस बुला सकते हैं, बट यहाँ जब दोनों अपने वेपन को बुलाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि थॉर अपने म्यूरलिल को स्नैप करके बुला रहा है, मतलब चुटकी बजा के। अब ये स्टाइल के लिए थॉर ने ऐसा किया है या चुटकी बजा कर ही म्यूरलिल वापस आता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जैसे ही दोनों वेपन को बुलाते हैं एक हिट के साथ ट्रेलर यहीं पर ही एंड होता है। सो गाइस यही था गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का स्टोरी ट्रेलर ब्रेकडाउन। आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते हुए एक लाइक तो बनता है भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना और जो नया है
ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना। और मिलूंगा मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।